क्या आपको डेटा एंट्री करना आता है या आप भी डेटा एंट्री की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम जानेंगे कि आप क्लर्क कैसे बन सकते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में रेप्यूटेटेड जॉब करना चाहते हैं तो डेटा एंट्री आना तो ज़रूरी है। तो आखिर क्लर्क होता क्या है? क्लर्क एक कार्यालय में काम करने वाला कर्मचारी होता है जिसको कई सारे काम करने होते हैं। इसके कामों में शामिल है जैसे डेटा एंट्री करना, टाइपिंग करना, रिपोर्ट बनाना, डॉक्यूमेंट्स को संभालना, फ़ोन कॉल्स अटेंड करना और भी कई सारे काम शामिल होते हैं, जैसे कि संस्था के कई सारे कामों का प्रबंध करना। क्लर्क का काम उसके कार्यालय की ज़रूरतों के हिसाब से बदल सकता है। जैसे कि ज़्यादातर क्लर्क जो है प्रशासनिक असिस्टेंट या कार्यालय प्रबंधक के अंडर में ही काम करते हैं। क्लर्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपर डिवीजन क्लर्क और एक लोअर डिवीजन क्लर्क। अपर डिवीजन क्लर्क जो है वो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाला एक पद है जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क से ऊपर आता है। अपर डिवीजन क्लर्क के कामों में शामिल है जैसे कि डेटा प्रोसेस करना, फाइलें संभालना, चिट्ठियां संभालना और अकाउंट्स का डेटा अपडेट करना और भी कई सारे काम होते हैं। तो आइए अब लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में जानते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क सरकारी दफ्तरों में क्लर्क का पहला पद होता है। लोअर डिवीजन क्लर्क के उम्मीदवार एक बार सरकारी विभाग में शामिल हो जाते हैं उसके बाद इन्हें कई सारे तरह के प्रशासनिक काम करने होते हैं, जैसा कि डेटा संभालना, टाइपिंग करना और भी कई सारे दफ्तरों के काम जुड़े होते हैं। अब आप ये सब सुन के बिल्कुल ना सोचें कि LDC का तो कोई महत्व नहीं होता। LDC एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है जो कि सरकारी दफ्तरों में क्लैरिकल और प्रशासनिक कार्यों में बहुत काम आता है। LDC के कारण ही गवर्नमेंट का जो एक काम है सही तरह से चल पाता है। अब LDC का काम किन किन अलग अलग विभागों में हो सकता है तो आइए जानते हैं। LDC कई सारे सरकारी विभागों में काम करते हैं जिसमें शामिल है राजस्व विभाग, डाक विभाग, रेलवे विभाग, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सामान्य प्रशासनिक विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, पंचायती राज विभाग, नगर निगम, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कोर्ट्स एंड जुडिशियरी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और भी कई सारे सरकारी डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब या पोजीशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम अगले वीडियो में उसकी जानकारी प्रदान करेंगे।